हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFS। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे फॉर यू एग्ज़ाम या फिर जो भी सेट एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, तो जैसे आप सबको पता है कि मैं आपके साथ 10 मिनट सीरीज स्टार्ट किया हुआ हूँ ऑन टॉपिक एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। ओके, तो आज मैं बेसिकली आपके साथ डिस्कशन करूँगा सोमापुरा यूनिवर्सिटीज़। तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारे टॉपिक एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर ले चुका हूँ। अगर आप वो सब नहीं देखे डेफिनेटली जाइए, एक बार जरूर देखिए, आपका वहाँ से 10 मिनट के अंदर आपका बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा और आपको बहुत ही मज़ेदार भी आने वाला लगने वाला है। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एन्जॉय इट। तो चलिए आज हम अपना सोमापुरा यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पिक में दिख रहा होगा जो सोमापुरा यूनिवर्सिटीज़ इसका पिक है, उसका रिमेनिंग्स है, तो ये आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सोमापुरा यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर अभी हम पढ़ाई करेंगे। तो इसे फर्स्ट आपको याद रखना होगा, इसे किसने एस्टैब्लिश किया था? धर्मपाला। धर्मपाला और पाला डायनेस्टी ने इसे एस्टैब्लिश किया था। और ये कब एस्टैब्लिशमेंट में आया था? 8th सेंचुरी AD इन बंगाल। तो ये आपको, ये फर्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। इसे किसने एस्टैब्लिश किया था? धर्मपाला ने एस्टैब्लिश किया था। और कौन से डायनेस्टी के वो थे? पाला डायनेस्टी के थे। और 8th सेंचुरी AD में इसे एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, और कहाँ पे? बंगाल में। और ये यूनिवर्सिटी स्प्रेड ओवर 27 acres ऑफ लैंड, बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटीज था, तो 27 acres ऑफ लैंड के ऊपर ये फैला हुआ था स्प्रेड। ओके, ऑफ विच द मेन कॉम्प्लेक्स वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका एरिया कितना था? 27 acres ऑफ लैंड। और यहाँ पे बेसिकली मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग क्या क्या होता था? यहाँ पे आपका बुद्धिज्म के ऊपर पढ़ाई होता था, अब जैनिज्म के ऊपर पढ़ाई होता था, एज वेल एज हिंदुज्म के ऊपर भी पढ़ाई होता था। तो आपको नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुज्म के ऊपर पढ़ाई कहाँ पे होता था? तो आपको ये याद रखना है सोमापुरा यूनिवर्सिटीज में। ऑर्नामेंटल टेराकोटा ऑन इट्स आउटर वॉल डिपिक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस थ्री ट्रेडिशंस। तो इसके जो आउटर वॉल्स थे, इसके जो बाउंड्रीज थे, वहाँ पे यहाँ पे जो टेराकोटा होता है, जो डिज़ाइन होता है, वहाँ पे ये तीन कल्चर का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। द यूनिवर्सिटीज वॉज ऑलमोस्ट एज बिगर और बिगर देन दी नालंदा यूनिवर्सिटीज। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी से भी बहुत बड़ा था, तो ये भी आपको याद रखना होगा। देखिए स्टूडेंट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड बियॉन्ड कम टू स्टडी एट दिस लर्निंग सेंटर। तो विदेश से भी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते थे सोमापुरा यूनिवर्सिटीज में। सोमापुरा यूनिवर्सिटीज फ्लोरिश्ड फॉर मोर देन 400 years टिल 12th सेंचुरी। ये अपना पीक में कब था? कब से ये फ्लोरिश कर रहा था? 400 years से लेके 400 years तक फ्लोरिश किया था। और ये अपना 8th सेंचुरी AD में बना था, और इसका डिस्ट्रक्शन कब हुआ था? 12th सेंचुरी AD में इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेटर लैक ऑफ मेंटेनेंस एंड अटैक बाय द मुस्लिम प्लंडर्स, तो मुस्लिम अटैक, मुस्लिम इन्वेडर्स अटैक किए, लेड टू द डिक्लाइन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर्स। तो उससे, उसके कारण यहाँ पे इसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, चार्ट के फॉर्म से हम यहाँ पे पढ़ते हैं डिटेल समराइज्ड वे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकते हैं? लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो आपको ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसे किसने एस्टैब्लिश किया था? धर्मपाला ने एस्टैब्लिश किया था। और ये 8th सेंचुरी AD तक ये अपना स्टार्ट हुआ था 8th सेंचुरी AD से। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? आपका बंगाल में सिचुएटेड है। और ये स्प्रेड कितना है? 27 एकर्स ऑफ लैंड में ये स्प्रेड हुआ है। तो आपको ये भी याद रखना है, 27 एकर्स ऑफ लैंड। और ये कहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट है इसका? रिमेनिंग पार्ट कहाँ पे आपको मिलेगा? बंगाल में। और ये 8th सेंचुरी AD में एस्टैब्लिश हुआ था, और किसने एस्टैब्लिश किया था आपको? धर्मपाला। और यहाँ पे कौन सा मेन सब्जेक्ट पढ़ाई होता था? एक था बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुज्म, ये भी आपको याद रखना होगा। फ्लरिश्ड फॉर मोर देन 400 years टिल 12th सेंचुरी AD। 400 साल तक ये अपना पूरा पीक में था, फ्लोरिश किया, और 12th सेंचुरी AD में ये डिस्ट्रॉय हो गया था। और इसे किसने डिस्ट्रॉय किया था? मुस्लिम प्लंडर्स। तो ये भी आपको याद रखना है, मुस्लिम प्लंडर्स ने इसे डिस्ट्रॉय हो गया था। ओके, और यहाँ पे मेन सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाई होता था? हिंदुज्म के ऊपर पढ़ाई होता था, जैनिज्म के ऊपर पढ़ाई होता था एंड बुद्धिज्म के ऊपर पढ़ाई होता था। ओके, हिंदुज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के ऊपर पढ़ाई होता था। तो ये था आपका सोमापुरा यूनिवर्सिटी का एक समराइज्ड वर्सन। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड सोमापुरा यूनिवर्सिटीज। तो ये एग्जाम में भी आपको पूछ सकते हैं कि सोमापुरा यूनिवर्सिटीज को किसने एस्टैब्लिश किया था? कुमार गुप्ता, क्या धर्मपाला, क्या चंद्रगुप्त मौर्य या फिर राजा जनक। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? धर्मपाला ने एस्टैब्लिश किया था। और कब उन्होंने एस्टैब्लिश किया था? 8th सेंचुरी AD में बंगाल में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, और 12th सेंचुरी AD में ये डिस्ट्रॉय हो गया था।
तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. ओके, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो डेफिनेटली यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह का आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे मिलते रहेगा, जिससे आपका एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हो, जो आपका प्रिपरेशन है, और भी अच्छे तरीके से हो पाएगा. ओके, आई होप यू एन्जॉय दिस सेशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.